हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। मैंने 1, 2, 3, 4 कली बना लिए हैं और पांचवी कली आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहो तो पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हो, मैं ऊन से बना रही हूँ। तो मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है, आप देख सकते हो मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। आप पुरानी साड़ी या चुन्नी से बना रहे हो तो 6 नंबर की सिलाई यूज़ कर सकते हो। ये मैंने 22 फंदे से बनाया हुआ है, आप चाहो तो इसे बड़ा बना सकते हो और 2 के जोड़ से आप फंदे डाल के बना सकते हो बड़ा। और इसके लिए मैंने ये 4 कलर लिए हैं, आप चाहो तो 3 कलर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने 3 कलर यूज़ किए हैं, आप यहाँ चाहो तो 1 कलर या 2 कलर से भी बना सकते हो। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, उसके पहले आप मेरे चैनल पर नए आए हो पहली बार तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम ये डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। तो यहाँ से मान लो कि यहाँ से हम जो हम मेन कलर जो आप रखना चाहते हो उसे फंदे डालेंगे और 2 की जोड़ से डालेंगे। यहाँ मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे डाले हैं, आप चाहो तो इसे बड़ा बना सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो, तो पहली ही रो हम ये मान लो कि हमने फंदे डाले, उसके बाद एक सिलाई हम ऐसे बना लेंगे और दूसरी रो से हम डिज़ाइन को डालना शुरू करेंगे। तो लास्ट के 6 फंदे हम येलो से बनाएंगे, उसके पहले ये 14 फंदे हम इसी कलर से बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 फंदे हम बनाएंगे। और यहाँ हम कलर चेंज करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ हमारा येलो कलर पहले लगाएंगे हम। यहाँ 6 फंदे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे इधर, और ये लास्ट में 2 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से ही वापस हो जाएंगे। और आगे से जो कलर जैसा है उसको यहाँ तक बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने पूरी रो कंप्लीट कर दी है। और फिर से हम इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 फंदे बनाए और 2 फंदे ब्लैक के हम येलो से बनाएंगे इस तरह से हम। और आगे से येलो वाले येलो से बनाएंगे। 6 फंदे हम ऐसे ही बनाएंगे, 4, 5 और ये 6, और 2 फंदे हम लास्ट में छोड़ देंगे
और यहीं से वापस हो जाएंगे। आगे से जो कलर जैसा है उसको वैसे ही बनाएंगे और यहाँ फेसे में दो फंदे येलो के और दो फंदे यहाँ येलो के छोड़ लेती हूँ, फिर आपको आगे की रो दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तीन रो बना ली है, एक दो और तीन, और यहाँ दो दो फंदे मैंने छोड़े हैं। और यहाँ तीसरी रो बनने के बाद हम कलर को चेंज करेंगे। यहाँ हम एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, आठ फंदे बनाए। ये दो फंदे हम यहाँ दूसरा कलर ऐड करेंगे, ये वाला, ये दो फंदे इसके बनाएंगे और ये येलो वाले फंदे भी इसी कलर से बनाएंगे। यहाँ भी हम छह फंदे दूसरे कलर से बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, छः और ये तीसरी बार का दो फंदा येलो कलर से छोड़ देंगे और यहीं से वापस हो जाएंगे और आगे से जो कलर जैसा है उसको वैसे ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब फिर से दो लाइन हम इसी कलर से बनाएंगे, दो यहाँ लेकर और यहाँ दो फंदे छोड़कर। इस जैसे हमने तीन लाइन येलो से बनाई वैसे ही तीन लाइन ये ब्लू से बनाएंगे। तो अभी मेरा दो लाइन बनाना बाकी है तो मैं दो लाइन बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तीन रो बना ली है, जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे ही बनाकर कंप्लीट किया है। अब यहाँ चार फंदे हमारे बचे हैं, यहाँ हम फिर से कलर चेंज करेंगे। तो पहले ये दो फंदे बनाएंगे और ये दो फंदे बनाएंगे और ये दो फंदे हम कलर चेंज करेंगे इसी तरह, और आगे के फंदे हम इसी कलर से बनाएंगे और लास्ट में दो फंदे फिर से छोड़ देंगे। अब देखिए फिर से मैंने दो फंदे छोड़ दिए और यहीं से वापस हो गई और आगे से जो कलर जैसा है उसको वैसे ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। हमें हर कलर की तीन तीन रो बनानी है। यहीं से कलर को क्रॉस करते हुए ब्लैक कलर से आगे के दो फंदे बनाएंगे, एक और ये दो। अब यहाँ हमारे लास्ट में दो फंदे बाकी है तो ये दोनों फंदे हम अब इसी कलर से बनाएंगे, एक और ये दो, और आगे के फंदे हम इसी कलर से बनाएंगे। और दो फंदे छोड़ देंगे और यहीं से वापस हो जाएंगे और आगे के फंदे हम बना लेंगे। ये देखिए यहाँ हमारे सारे फंदे खत्म हो गए हैं और दो ही लाइन बनी है। तो अब यहाँ हम इसी कलर से
फंदे बनाएंगे, एक और ये दो, तीन और चार, और यहीं दो फंदे छोड़ देंगे। इस यहाँ हमारी तीन लाइन कंप्लीट हो गई, एक दो और ये तीन, एक दो तीन और ये चार। ये देखिए हमारी ये कली कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरे कली की शुरुआत करेंगे। अब यहाँ से हम सारे फंदे ब्लैक कलर से बनाएंगे, जो आपने मेन कलर रखा हो उससे सारे फंदे बना लेना है। एक लाइन इधर से और एक लाइन आगे से बना कर कंप्लीट करना है हमें। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और समझाने का तरीका भी आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। आप चाहो तो दो कलर से भी बना सकते हो, तीन कलर से भी बना सकते हो और मेरी तरह चार कलर भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मैंने पूरे दो बना लिए। अब यहाँ से हम एक सिलाई लेंगे और फिर से जैसे हमने ये कली बनाई वैसे ही हम दूसरे कली की शुरुआत कर लेंगे। तो इसी तरह हमारा डोरमेट बनता जाएगा और डिज़ाइन ऐसे ही आपके भी बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।